जाने का अब एक ही रास्ता है, इन दीन इंद अल्लाह इस्लाम, सिर्फ इस्लाम। इसके अलावा सारे रास्ते अल्लाह ने बंद फरमाए और ऐलान फरमाया, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ। तो इस्लाम को छोड़कर किसी भी रास्ते पर चलेगा वो नाकाम है, वो कामयाब नहीं हो सकता। कामयाबी का मफहूम क्या है और नाकामी का मफहूम क्या है, वो नहीं जो हम समझते हैं, वो मफहूम अल्लाह अपनी किताब में बताता है मुख्तलिफ अंदाज से। नतीजा एक है, जिससे अल्लाह राजी हो गया वो कामयाब, जिससे अल्लाह नाराज हो गए वो नाकाम। ये सारी आयात अहदीस का मफहूम, जिससे अल्लाह राजी हो गया मर्द औरत काला गोरा बादशाह फकीर वो कामयाब है, जिससे अल्लाह नाराज हो मर्द औरत वो नाकाम है। अब इसको कुरान मुख्तलिफ अंदाज से बयान करता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार वउदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा और जन्नत में गया वो कामयाब हो गया, क्योंकि जन्नत में वो जाएगा जिससे अल्लाह राज़ी, जहन्नम से वो बचेगा जिससे अल्लाह।